subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. Assalamualaikum, welcome back to my channel with another recipe. आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चॉकलेट शिफोन कप केक विद ब्लूबेरी फिलिंग. बहुत ही मज़े के लाइट एंड फ्लफी बनते हैं. चलिए देखते हैं कि इन चीज़ों की ज़रूरत है. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, साथ लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आसानी से मिल सके. और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चल सके आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं. यहाँ पे शुरू करते हैं रेसिपी को. 40 ग्राम 3 टेबलस्पून लिया है मैंने चीनी, 2 पिंच तकरीबन 2 ग्राम लिया है मैंने क्रीम ऑफ टार्टर, 3 पीस लिए हैं मैंने यहाँ पे अंडों के और उनमें से अंडों की जर्दियों और सफ़ेदियों को अलहदा कर दिया है. यहाँ पे मेरिंग बनाने के लिए मैं आपको चीज़ें बता रही थी और यहाँ पर ये कपकेक के लिए हैं. वनीला एसेंस लिया है 1/2 टी स्पून, यहाँ पर कोको पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून, यहाँ पर प्लेन फ्लावर मैदा लिया है तकरीबन 1/2 कप, 1 टेबलस्पून लिया है मैंने कॉर्नफ्लावर और 1.5 टेबलस्पून लिया है 1.5 टेबलस्पून लिया है चीनी के. इन चारों चीज़ों को मैंने एक ही बाउल में डाल दिया है. ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स है और 3 अदद लिए हैं मैंने यहाँ पे अंडे की सफ़ेदियाँ. 40 ml तकरीबन 3 टेबलस्पून लिया है मिल्क, 3 टेबलस्पून लिया है मैंने यहाँ पे दूध और दोनों को मैंने एक ही जगह में डाल दिया है, एक ही जग में डाल दिया है. और ये मेरी होममेड ब्लूबेरी सॉस है. इसकी रेसिपी मैं जो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और इसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. बहुत ही मज़े की बनती है और ये अच्छी टॉपिंग और फिलिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं आप. और आप इसको सेव भी कर सकते हैं फ्रिज में रख के. यहाँ पर कपकेक लाइनर हैं ये. तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को. सबसे पहले एक विस्कर की मदद से अंडों की जर्दियों को बीट कर लेंगे, थोड़ा सा फेंट लेंगे. ये देखिए मैंने इनको अच्छी तरह से फेंट दिया है. ज़्यादा आपने इसको फेंटना नहीं है, सिर्फ हल्का सा बीटर नहीं करना है. यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं सारे, इनको एक सीव की मदद से छान लेंगे. ये देखिए ऐसे इसको इसी बाउल में छान लेंगे. इनको छानना जो है बहुत ज़रूरी है, इससे ये ज़्यादा सॉफ्ट फ्लफ़ी और इसमें एयर ज़्यादा आएगी तो ये मज़े के फ्लफ़ी से बनेंगे. यहाँ पे इस बाउल में ऑयल और ये दूध जो मैंने लिया था इसको डाल देंगे और सारे तमाम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं और वनीला एसेंस भी डाल देंगे और ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स और अंडे की जर्दियाँ जो है इसमें मिक्स कर देंगे और एक समोसा बैटर जो है तैयार कर लेंगे. अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, कोई भी इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए. ये देखिए तमाम जो है मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए हैं. अब इसको विस्कर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. अब मेरिंग बना लेंगे. मेरिंग बनाने के लिए मैंने अंडे की सफ़ेदियाँ, क्रीम ऑफ टार्टर और चीनी ली है. सबसे पहले क्रीम ऑफ टार्टर को मेरिंग में इसमें अंडे की सफ़ेदियों में डाल देंगे. अगर आपके पास नहीं है तो आप लेमन जूस यूज़ कर सकते हैं. देखिए बीट होना शुरू हो गया, काफ़ी झाग सी आ गई है इसके अंदर. अब थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालेंगे और इसको बीट कर लेंगे. कर देंगे, ये देखिए सॉफ्ट पीक है और सॉफ्ट पीक में ही हमने इसको रखना है. यहाँ पे अंडे की सफ़ेदियाँ जो है अच्छी तरह से बीट हो गई हैं. अभी थोड़ी सी अंडे की सफ़ेदियाँ जो है चॉकलेट बैटर में डालेंगे और इसको जेंटली फोल्ड करेंगे. ज़्यादा इसको अपने हार्ट जो है ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, नहीं तो हवा जो है इसकी निकल जाएगी और फ्लफ़ी कपकेक नहीं बनेंगे. बाकी की जो है मेरिंग में डाल देंगे. अभी तमाम चॉकलेट बैटर जो है मैंने बाकी बनाए हुए मेरिंग में अंडे की सफ़ेदियों में डाल दिया है. अब इसको जेंटली फोल्ड करेंगे, कट करेंगे, फोल्ड कर देंगे, कट करेंगे, फोल्ड. यहाँ पे चॉकलेट के बैटर को अच्छी तरह से मैंने फोल्ड कर दिया और अच्छा सा बैटर जो है तैयार है. अब एक बेकिंग ट्रे में ये कपकेक लाइनर लगा देंगे. अगर आपके पास नहीं है तो आप सादे लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं. अब लाइनर को फिल कर लेंगे. लाइनर को जो मैंने कोई ग्रीस नहीं किया है. यहाँ पर एक आइसक्रीम स्कूपर की वजह से एक स्कूप डालेंगे पहले, ये देखिए, और इसके सेंटर में ब्लूबेरी सॉस डाल देंगे जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है. और आप इसको अगर स्किप करना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं. अगर आपके पास ब्लूबेरी नहीं है तो आप कोई भी फ्रूट के साथ सॉस बना के इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्किप करके सिर्फ चॉकलेट शिफॉन कपकेक भी बना सकते हैं. इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने सॉस डालनी है. अगर आपको अच्छी लगती है तो आप डाल सकते हैं. ये देखिए इसी तरह से तमाम लाइनर को अच्छी तरह से मैंने फिल कर दिया है. ये देखिए अब इनको टैप कर लेंगे और ओवन को मैंने प्रीहीट किया 140 सेंटीग्रेड पे और इसको बेक करेंगे तकरीबन 50 से 55 मिनट के लिए. अब ये
ये तमाम कपकेक जो है तैयार है, आप स्टिक की मदद से चेक कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल क्लीन आई है। लीजिए तैयार है फ्रेशली बेक ब्लूबेरी फिलिंग चॉकलेट शिफॉन कपकेक। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप फिलिंग के बगैर भी बना सकते हैं। और इस रेसिपी से मैंने तकरीबन 9 जो है शिफॉन कपकेक बनाए हैं। मैं अब यहाँ पे एक आपको ओपन भी करके दिखा देती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं इसका लुक परफेक्टली ये बेक्ड हुए हैं और बहुत ही मज़े के लाइट फ्लफी और यम्मी बनते हैं। मैं एक आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना फ्लफी और कितना लाइट सा ये कपकेक तैयार है, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। यहाँ पे अब मैं आपको एक उठा के इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने लाइट एंड फ्लफी हैं, सॉफ्ट हैं, मॉइस्ट हैं और बहुत ही स्पॉन्जी से हैं। आप देख सकते हैं विद ब्लूबेरी ये इतने मज़े के लगते हैं कि कोई भी खाएगा तो उसको बहुत ही मज़ा आएगा। बच्चों को तो ज़रूर ही पसंद आएंगे। मैं आपको खा के दिखा रही हूँ और आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, एयरी और फ्लफी से बने हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें मेरी वीडियो को। भी खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए तमाम के तमाम जो है ऐसे ही तैयार हुए हैं और बहुत ही एयरी फ्लफी से कपकेक्स जो है बने हैं। चॉकलेट शिफॉन कपकेक हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।